बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम टुडे वी विल हैव अ डिस्कशन ऑन फैक्ट्री ओवरहेड एप्लीकेशन एंड कैलकुलेशन ऑफ अंडर ओवर अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड्स हम लोग देखेंगे के हाउ वी अप्लाई फैक्ट्री ओवरहेड टू द प्रोडक्शन एंड देन आफ्टरवर्ड्स स uh, डिस्कशन हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर जो एक्चुअल एफ ओ एच को कैलकुलेट करना और रिकॉर्ड करना सीखा था उनको हम लोग यूज करके हम लोग आज देखेंगे कि हम एफ ओ एच को अप्लाई कैसे करते हैं और उसकी एप्लीकेशन किस तरीके से की जाती है और फिर हम लोग उनको कंपेयर करके एक्चुअल के साथ अप्लाइड और अंडर अप्लाइड और ओवर अप्लाइड एफ किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं द फर्स्ट क्वेश्चन इज वाई टू अप्लाई एफ ओ एच टू प्रोडक्शन हम एफ ओ एच को प्रोडक्शन को अप्लाई क्यों करते हैं वाई वी यू डोंट यूज एक्चुअल एफ ओ एच इन आर प्रोडक्शन There are three methods of uh, cost calculations or costing uh, regarding, uh, you must say, calculation of product cost. First method is uh, actual costing. In actual costing, we take uh, direct material, direct labor, and factory overhead on actual. We uh, uh, accumulate three cost elements that is, direct material, direct labor, and factory overhead and uh, when we take uh, actual uh, figures of these three cost elements this is called actual costing on the other side when we calculate actual foh but some foh are not available readily on time due to which we may have delays in calculation of costs and ultimate the prices of the products तो फिर हम लोग क्या करते हैं एक दूसरा मेथड यूज करते हैं जिसको हम लोग नॉर्मल कॉस्टिंग कहते हैं इन नॉर्मल कॉस्टिंग वी टेक टू कॉस्ट ऑन एक्चुअल दैट इज डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर कॉस्ट ऑन एक्चुअल एंड द थर्ड कॉस्ट विच इज द फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट इज एस्टिमेटेड हम फैक्ट्री ओवरहेड को फिर हम एस्टीमेट करते हैं और उसको हम लोग एक बजट करके एक एस्टीमेटेड फोरकास्ट की बेसिस के ऊपर एक जो कैलकुलेशन होती है हमारी उसकी बेसिस के ऊपर हम लोग कॉस्ट फॉर्मूलाज को यूज करके हम अप्लाई करते हैं प्रोडक्शन के ऊपर और उसकी वजह ये होती है कि हम लोग टाइमली जो है वो कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट कर सकें और टाइमली कैलकुलेशन ऑफ प्राइसेस कर सकें अपनी प्रोडक्ट्स की तो उसके लिए फिर हम लोग जो है वो जो कॉस्टिंग मेथड यूज करते हैं या कॉस्टिंग फिलॉसफी यूज करते हैं दैट इज नॉर्मल कॉस्टिंग और उसमें हम लोग दो कॉस्ट जो होती है मटीरियल और लेबर की वो हम एक्चुअल लेते हैं और जो तीसरी कॉस्ट होती है वो हम लोग आ, आ, जो है वो एस्टिमेटेड लेते हैं और तीस तीसरी तरह का जो कॉस्ट मेथड होता है या फिलोसफी होती है दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हम लोग मटेरियल भी लेबर भी और एफ ओ एच भी तीनों ही एस्टिमेटेड लेते हैं बजटेड लेते हैं और उनकी बेसिस के ऊपर हम करते हैं और एंड ऑफ द पीरियड जाके हम लोग फिर इसकी जो है वो एक एडजस्टमेंट्स करते हैं इनकी जो इनके वेरियंसिज आते हैं और हम लोग उस कॉस्ट को एक्चुअल के ऊपर ले जाते हैं बिकॉज वी हैव टू रिपोर्ट आर प्रिपेयर आर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑन एक्चुअल that's why we have to make adjustment at the end of the period Ab isme bhi log yahi dekh rahe why we apply factory overhead to production and we don't use actual foh for our calculation the first reason for the application of uh, overhead to the production is uh, some overhead cost may not be known until the end of the accounting period कुछ कॉस्ट जो है वो हमें एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड तक मालूम नहीं होती हैं जिसकी वजह से हमारी जो कॉस्ट कैलकुलेशंस हो सकती हैं पर यूनिट कॉस्ट हो सकती है वो डिले हो सकती है और जो हमारी प्राइस की कैलकुलेशन है वो भी हम लोग डिले कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल हम लोगों के पास बिजली का एक बिल आता है बिजली का बिल हमारा मंथली बेसिस के ऊपर आता है जब तक हमारा महीना कंप्लीट नहीं होगा तो हमारे हमें मालूम नहीं होगा कि व्हाट इज आर

एफ ओ एच क्यूके इलेक्ट्रिसिटी की जो कॉस्ट होती है वो एफ ओ एच का पार्ट होता है और इसके अलावा भी और बहुत सारी कॉस्ट होती हैं जैसे टैक्सीज हैं जैसे और बहुत सारे फ्रेंच बेनिफिट्स हैं या और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि हमारे पास एंड ऑफ द मंथ बिल्स आते हैं उनके वो हमें मालूम नहीं होते हैं तो इसलिए हम लोग उनकी कॉस्ट को हम टाइमली जो है वो कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं तो फिर हम उसको एस्टिमेटेड जो है वो फिगर यूज कर लेते हैं एंड दैट एस्टिमेटेड फिगर इज कॉल्ड अप

लेकिन जब हम लोग एक्चुअल एफ ओ एच की बात करते हैं तो एक्चुअल एफ ओ एच जो है वो कुछ हमें एंड ऑफ द मंथ मिलते हैं और कुछ हमें इवन एंड ऑफ द ईयर भी मिलते हैं तो उस थी, उस चीज को हम लोग इंश्योर करने के लिए कि हमारी कॉस्ट जो है वो जब जॉब कंप्लीट हो जाए तभी हमारे पास जो कॉस्ट ऑफ द जॉब हमें मिल जाए तो उसके लिए फिर हम लोग क्या करते हैं कि उस एंड ऑफ द पीरियड का इंतजार नहीं कर सकते हैं और उसके इंतजार किए बगैर फिर हम लोग एक एस टेड और अप्लाइड फिगर जो है वो प्रोडक्शन को या जॉब को चार्ज कर देते हैं दैट इज द सेकंड रीजन फॉर एप्लीकेशन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड टू द प्रोडक्शन और द टू द जॉब्स

है वो उसको यूज करके अपनी जॉब के ऊपर अपनी प्रोडक्शन के ऊपर एफओएच को एस्टिमेट कर सके या अप्लाई कर सके uh, The third reason, or you must say the benefit of application of factory overhead to the production aid is a, it enables companies to bill customers on more timely basis. We cannot delay the bills to the customers ham customers go bill कर or bill humne price pe karna hai, and price is charged on the basis of cost and when we have a, एक्चुअल एफ एच विच वुड बी नोन एट द एंड ऑफ द पीरियड अकाउंटिंग पीरियड माइड बी एंड ऑफ द मंथ माइड भी एंड ऑफ द इक तक हम लोग कॉस्ट कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे जब हम कॉस्ट कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे तो फिर हमारी प्राइस कैलकुलेट नहीं होगी और जब हमारी प्राइस कैलकुलेट नहीं होगी तो हम अपने कस्टमर्स को बिल नहीं कर पाएंगे हम अपने कस्टमर्स को जो है वो बता नहीं पाएंगे कि उनसे हमने कितने पैसे लेने हैं तो इसलिए इस चीज को टाइमली करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि एक्चुअल एफ का इंतजार किए बगैर हम लोग एक एस्टिमेटेड फिगर जो है वो एफ में डाल देते डाल देते हैं और प्रोडक्शन को चार्ज कर देते हैं ताकि हमारे पास जो है वो टाइमली जो है वो कॉस्ट की इंफॉर्मेशन आ जाए और उसकी बेसिस के ऊपर हम प्राइस को कैलकुलेट कर सकें और कस्टमर्स को अपने बिल्स भिजवा सकें एंड टू प्रिपेयर अ बिड्स फॉर द न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स मोर एक्यूरेटली और जो हम लोगों ने बिड्स करनी है हमने एडवांस में अगर किसी भी आ, काम करने के लिए किसी कंपनी को अगर हम लोगों ने प्राइस कोट करनी है कोई बिडिंग करनी है किसी कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर तो उसको हम लोग फिर डिले नहीं कर सकते हैं तो उस डिले से बचने के लिए हम लोग फिर क्या करते हैं हैं कि कि दो जो हमें मालूम हो सकती कि कितना कितना मटेरियल लगेगा लेबर लगेगी तो वो तो हमें मालूम होता है लेकिन जो तीसरी कॉस्ट होती है जो कि एफ ओ एच की है जो कि जब तक मालूम नहीं होगा जब तक कि कुछ एक्टिविटीज कंप्लीट नहीं हो जाएंगी तो उसका हम इंतजार नहीं कर सकते हैं उसको डिले नहीं कर सकते हैं सो दैट के हम लोग टाइमली कॉस्ट कैलकुलेट कर सकें तो इसलिए हम लोग एफ ओ एच को अप्लाई कर देते हैं और उस एफ एफ ओ एच एप्प्लीकेशन की बेसिस के ऊपर हम लोग कॉस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं और कॉस्ट कैलकुलेट करने के बाद हम लोग उसकी प्राइस कैलकुलेट कर सकते हैं और प्राइस को हम लोग बिड कर सकते हैं अपने कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर फॉर टाइमली बेस के ऊपर और एकटली और हम लोग इसको जो है वो बिजनेस uh, का जो बेनिफिट होता है वो टाइमली बेसिस के ऊपर ड्राइव कर सकते हैं हासिल कर सकते हैं सो so, These are the reasons of uh, why we apply FOH to the production. और हम लोग actual FOH को use नहीं करते हैं, बल्कि हम FOH applied को use करके हम लोग factory uh, product cost को calculate करने की कोशिश करते हैं। So these are the reasons of application of factory overhead to the production.